आपने 6 उंगली वाले लोगों को जरूर देखा होगा और आपने जरूर सोचा होगा कि 6 उंगली कैसे हो जाते हैं, क्या 6 उंगली वाले लोग भाग्यशाली होते हैं या नहीं होते हैं, हस्तरेखा ज्योतिष में क्या कहा गया है इनके बारे में। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार 6 उंगली वाले लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। कुछ हाथों में छोटी उंगली के पास 6ठी उंगली होती है और कुछ हाथों में अंगूठे के पास में होती है। हाथों के अलावा कुछ लोगों के पैरों में भी 6ठी उंगलियां होती है। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। रेखा ज्योतिष के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिसके साथ भी रहते हैं उसका फायदा ही होता है। ये लोग 5 उंगली वाले की अपेक्षा काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। जिन हाथों या पैरों में 1 अतिरिक्त उंगली 6ठी उंगली से जुड़ी होती है तो उस पर बुध पर्वत का प्रभाव होता है और अंगूठे से जुड़ी उंगली पर शुक्र पर्वत का प्रभाव होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के हाथ में 6 उंगलियां होती है वह काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। ऐसा व्यक्ति अधिक फायदा कमाने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग काफ़ी तेज चलता है। ऐसे लोग अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। ऐसे लोग अच्छे आचरण के होते हैं। हस्तरेखा के अनुसार हाथों की उंगलियों की संख्या इंसान के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है, इसलिए उंगलियां और अंगूठे को आपस में मिलाकर अलग अलग मुद्रा बनाकर ध्यान किया जाता है। तो दोस्तों, यही था 6 उंगली वाले का रहस्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना।